अंदर तू है, गलती तेरी है, ये डाल पड़ते बात करता है। एनिस्टा, गलती इसकी नहीं तुम्हारी है, तुम नो एंट्री में घुस आए। नो एंट्री? यस, ये वन वे है। देखिए मैं जल्दी में हूँ, आई एम सॉरी। शट अप, जल्दी में हो तो क्या इसका मतलब गलत रास्ता चूज करोगे? लाइसेंस निकालो। लाइसेंस का क्या करेंगे आप? तुम्हारी रिपोर्ट करूंगी। देखिए देखिए, अभी एक्सीडेंट तो नहीं हुआ ना? अच्छा, एक्सीडेंट के बाद रिपोर्ट करूंगी। लाइसेंस निकालो। ऑटो, मेरे पास ऑटो में था। ओ नो, अब मैं क्या करूं? मेरे बाकी बचे महीने के सारे पैसे उस पर्स में थे, अब मैं इंटरव्यू में कैसे पहुंचूंगी? डोंट वरी, मैं आपको पहुंचा देता हूं। तुम नहीं पहुंचाओगे तो और कौन पहुंचाएगा? अरे ओह, तुम यहाँ बैठो, मैं अभी आती हूँ। जरा बाइक की चाबी दो। क्यों? कान खुजाना है इसलिए। तुम भाग ना जाओ इसलिए। किस मुसीबत में फंस गया? ओ, तुम्हारे कहने का मतलब है चैनल सिंह के चैनल 9 दे वास्ते तुमने इतने इंटरव्यू लिए और तुम्हें एक भी लड़की नहीं मिली? I'm sorry, sir. चुप कर यार, यानी पूरे हिंदुस्तान में पूरी। विदाउट परमिशन अंदर आने के लिए I'm really sorry, sir. पर क्या करती सर, मेरे करियर का सवाल था। सर मैं तो टाइम पर आ जाती, पर एक बदतमीज लड़का बाइक लेके नो एंट्री में घुसा है सर, और सर उसे टकराना ही था तो मेरे ही ऑटो से। खुद को रॉन्ग होते हुए भी राइट समझ रहा था सर, तो जाहिर है इसमें तूतू मैमे तो होनी थी ना, और सर तूतू मैमे में टाइम तो वेस्ट होना ही था, और सर टाइम वेस्ट में मुझे तो लेट होना ही था ना सर। मैं जानती हूँ कि मेरा इंटरव्यू का टाइम निकल चुका है, लेकिन आप चाहे तो अभी भी मेरा इंटरव्यू ले सकते हैं सर। ओए होए होए, यू आर ऑलरेडी सिलेक्टेड। बगैर इंटरव्यू के? यार अभी तक जो तू दे रही थी वो इंटरव्यू तो था। अरे हमें तेरे ही जैसी डायनेमिक सोनी वो एंकर की जरूरत है। हैं, क्या कुड़ी है यार। थैंक यू सर, थैंक यू। यार जरानी देखने की मारेगी यार। सो मच। कितना लकी है ये मेरे लिए, बिना इंटरव्यू के नौकरी मिल गई। लकी के साथ साथ हैंडसम भी है, इसको इतनी आसानी से नहीं छोड़ना चाहिए। क्या करूं क्या करूं, कोई ना कोई चक्कर तो चलाना ही पड़ेगा। क्या हुआ, जॉब मिला? नो, लेट हो गई। पता नहीं सुबह सुबह किसकी शक्ल देखी थी, सब कुछ गलत ही गलत हो रहा है। लेकिन आप मेरी जान कब छोड़ेंगी? मैं तो घर पर बोलकर भी नहीं आया हूँ, और मुझे अपनी दुकान पर भी तो जाना है। दुकान? काहे की दुकान चलाते हो? अरे बाबा, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट की दुकान है। ए हेलो, ए म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट। हाँ, अब मैं चलूँ? चाबी दो। देखो मेरे पूरे महीने के पैसे उस पर्स में थे, महीना खत्म होने में पूरे 5 दिन बाकी हैं। इन 5 दिनों में अगर मुझे कहीं भी जाना होगा तुम्हें अपनी बाइक लेकर आना ही होगा। क्या, मेरे काम धंधे का क्या होगा? और मेरा क्या होगा, क्या मैं सड़क पर खड़ी होकर भीख मांगूंगी? देखो मैं बात करने के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ, मुझे भूख लगी है, पहले कुछ खिलाओ, मेरा भेजा मत खाओ। अब जान में जाना ही, बड़ी भूख लगी थी। लेकिन तुम मेरी जान कब छोड़ोगी? तुमने कुछ कहा? मैं कह रहा था तुम्हारे उस पर्स में 5 दिन के लिए कितने पैसे थे? यही कुछ 1200-1300। तुम मुझसे 1500 ले लो, लेकिन मेरा पीछा तो छोड़ दो। ए, मैं कोई भिखारिन नहीं हूँ, इन 5 दिनों में अगर मेरी नौकरी लग जाती है तो तुम्हें 3000 दे दूंगी, नहीं तो 1 तारीख को घर से मनी ऑर्डर आ जाएगा, जितने तुम्हारे खर्च होंगे उतने दे दूंगी। ओफो, अब मुंह ठीक भी करो। एक बात बताओ, अगर एक लड़की थोड़ी सी परेशानी में है तो क्या तुम उसकी जरा भी मदद नहीं करोगे? ये हुई ना बात। एक बात बताओ, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है?